मिशन 25 के लिए जहां कांग्रेस पार्टी शुरू से अपना दम लगा रही है, वहीं दूसरी ओर अब उनका साथ देने के लिए राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस भी जुड़ चुकी है, जिसके लिए महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज ने पीसीसी मुख्यालय में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस पदाधिकारी इस बार अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं जाएंगी। चिश्ती ने कहा कि महिलाएं जितना बेहतर अपने क्षेत्र में कर सकती हैं उतना दूसरे क्षेत्र में नहीं। साथ ही ये फैसला बाहर होने वाली समस्याओं को देखकर भी लिया गया है। उनका कहना है कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के पक्ष में रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी सरकार बनने पर 33% आरक्षण महिलाओं को देने का वादा किया है, जिसके बाद प्रदेश भर में आधी आबादी कांग्रेस के साथ लगातार जुड़ रही है। 33% आरक्षण की आप बात कर रहे हैं कि ये बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 50% आबादी के बारे में सोचा है और हमेशा दिया है लोकल बॉडीज में और पंचायत में, और जो दिया है आरक्षण वो कांग्रेस का ही देन है। अब 33% के लिए मैनिफेस्टो में बताया है तो पूरी उम्मीद है कि हमारे को उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, और 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों के लिए भी बताया गया है। तो उन सब चीज़ों से जो पढ़ी लिखी है आज की तबका है, जो राजनीति में, समाज में या कोई रोजगार में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए एक अच्छा एक वो मिला है, चांस मिला है जिसे वो आगे बढ़ सकेंगे और अपनी काबिलियत प्रूव कर सकेंगे। तो देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।